आखिर इंसाफ की घड़ी आ ही गई, बस कुछ ही मिनटों में आपके बेटे को फांसी हो जाएगी। जनरल साहब, अचानक मत कीजिए जनरल साहब। ये फांसी तो अब रुकने से रही। तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारे धर्म के पंडित को बुलाया है ताकि तुम्हारे मरने के बाद गंगा जल दे सके। आइए। बस अब थोड़ा सा और इंतजार, नीलकंठ की जिंदगी के आखिरी 3 सेकंड बाकी हैं। तीन, एक। रुक जाइए, वही बंदूक है जो उस दिन नीलकंठ जी के हाथ में थी और ये बंदूक नकली है। बच्चे नीलकंठ जी निर्दोष है, वो तो भला हो उस इंसान का जिसने मेरे नाम का लिफाफा भेजा, उसके अंदर ही ये नकली बंदूक थी। थैंक यू अल्लाह मियां, थैंक यू। अगर आज मेरा भेजा हुआ पार्सल लेकर अलगू वक्त पर नहीं आती तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता बंदूक असली थी या नकली, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, इसने गोली चलाई थी और गोली मेरे शौहर को लगी थी। इस सबूत के बारे में कोर्ट को बताना होगा। शायद आप जानते नहीं हैं जेलर साहब, मेरी पहुंच कहां तक है। अगर आपने कोर्ट का ऑर्डर मानने से मना किया तो मैं खुद आपको नौकरी से निकलवा दूंगी। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने तो आपके दुश्मन नीलकंठ को रास्ते से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन अब्बू बीच में आ गए और गोली उन्हें लग गई। पर फिर भी मैंने नील पे गोली चलाई और उसकी नकली बंदूक को बदल के असली बंदूक रख दी।
जो लड़का अपने बाप का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। कहा था मैंने तुमसे कि मैंने तुम्हारे बाबा का खून नहीं किया। क्या इतना खोखला निकला तुम्हारा प्यार कि तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं रहा? मजहब की दीवार गिराने चले थे हम, दुनिया से लड़ने चले थे हम। अरे लेकिन नींव तो हमारे प्यार की डगमगा गई चाहत। भोलेनाथ जानते हैं कि मेरे प्यार में प्रार्थना जितनी पवित्रता है, और तुम प्रार्थना तो क्या मेरी बद्दुआ तक के लायक नहीं हो। जिस लड़की ने हंसते हंसते मुझे फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखना चाहा, उस लड़की से मैं हर रिश्ता तोड़ता हूं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं बचा, आप बस एक नफरत का दरिया है। अगर बह गया ना तो इसी गहरी नफरत में डूब जाओगे तुम। मेरी बात सुनो, अपना चेहरा मत दिखाना मुझे दोबारा। हो सके तो अपनी चाहत को भूल जाना। एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है उस घटना को, फिर भी मुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है कि चाहत जिंदा नहीं है? नहीं 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 नहीं, नहीं। एक ही सपने का बार बार आना इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब ये ऊपर वाले का इशारा है कि चाहत जिंदा है। और वैसे भी हमने साथ में जीने और मरने की कसमें खाई थी ना। अगर नील जिंदा है तो चाहत भी जिंदा है। मुझे कसम है हमारे प्यार की, मैं चाहत को ढूंढ निकालूंगा इससे पहले कि देर हो जाए। Excuse me, आपने इनको देखा है क्या? ये इस हॉस्पिटल में काम करते हैं। नहीं साहब, ये इस हॉस्पिटल में काम नहीं करती। गुरबा हुआ
आओ बिटिया, चक्कर आवत है। अरे कोई तो तनिक पानी लाओ। ये लीजिए। कौन है, क्या हुआ? चल रहा है, लगता है इसके दर्द उठने लगा है। अरे बेटी, ऐसे हालत में अकेले कहाँ घूम रहे हो? कहाँ है आपके पति देव? मैं यही हूँ, ये मेरी बीवी है। चाहत, तुम ठीक हो? चाहत, चाहत तुम्हें कुछ नहीं होगा, राइट? हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। हाँ, तुम देर मत करना बाबू, बच्चा किसी भी वक्त हो सकता है, कहीं ऊंच नीच ना हो जाए। चाची, मैं चाहत को कुछ नहीं होने दूंगा। चाहत, चाहत तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? मैंने तुम्हें पहले भी बचाया और अभी भी कुछ नहीं होने दूंगा। भैया, प्लीज टैक्सी बुलाइए प्लीज। चाहत, साहिल की पत्नी और ये बच्चा। गॉड, कितनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है, पता नहीं लड़की बचेगी कि नहीं। अच्छा हुआ नील और चाहत के बच्चे से छुटकारा मिल गया। कह दूंगा चाहत से कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। निकलो। कहाँ बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे तू? पुलिस को बुलाओ। नहीं सर। चोरी करते हो तुम? नहीं सर, मुझे पुलिस के हवाले मत करना सर। वो तो उस आदमी ने बुलाया था मुझे यहाँ पे बच्चा लेने के लिए सर। उसने कहा था कि उसकी पत्नी ने कसम खाई थी कि वो कभी माँ नहीं बनना चाहती, लेकिन ये बच्चा हुआ। अब वो इस बच्चे को दूर कर देना चाहता है सर। मेरी कोई गलती नहीं है सर। अच्छा ठीक है, चुप चुप। बच्चा इधर दे। हाँ, देख रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये ले लो सर, ये ले लो। अरे अरे, ये लेबर पेन फिर से कैसे शुरू हो गया? अरे ओटी में आने से पहले रिपोर्ट नहीं पड़ी सिस्टर? जुड़ाव बच्चे हो रहे हैं ही नहीं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, सेकेंड बेबी लड़की है। थैंक यू।
नील के बच्चों को चाहत के बस नहीं रहने दूंगा मैं। एक को तो ठिकाने लगा चुका हूं, इस लड़की को भी ठिकाने लगा के आता हूं। साहिल, चाहत लड़की है, देखो। और मेरा बेटा, मैंने उसकी रोने की आवाज भी नहीं सुनी। मैं शायद बेहोश होंगी उस वक्त। सॉरी चाहत, वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। एक न एक दिन तुम्हें इस बच्चे की याद जरूर आएगी, और उस दिन इस बच्चे को ढूंढते हुए तुम्हें मेरे पास आना होगा। ले जा रहा हूं तुम्हारे इस धोखे की निशानी को अपने साथ, और इसे अपने पास तब तक रखूंगा जब तक तुम मेरे पास लौट कर नहीं आओगे। यज्ञोपवितं परमं पवित्रं प्रजापतये सजं 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 पुरु सजं पुस्तात। अगर आप बच्चे का पिता बनकर उसे प्रेम नहीं दे सकते तो क्यों लेकर आए थे आप उसे इस घर में? हेलो,
हाँ मामी। क्या ड्राइवर के भेस में बच्चे चोरी करने वाला? अम्मी की आवाज। नील अंकल ये लो। तुमसे वहां पर सरिया मांग रहा था ना मैं, आंखों में आंसू लिए आंखें बंद करके कांप रहे थे तुम। बस कीजिए नीलकंठ जी, आप जानते हैं हमारा श्लोक बाकी बच्चों से अलग है, नहीं बर्दाश्त होता इससे मार धाड़ देखना। कोमल है मेरे बच्चे का मन। कोमल नहीं है ये, कमजोर है ये। इतने नन्हे से हाथों से आपने अपनी जान को खींच कैसे लिया? आप तो बहुत ब्रेव हो गई है। अब कोई रास्ता भी तो नहीं था ना अम्मी, वरना फिर लोग क्या कहते कि अम्मी इतनी बड़ी डॉक्टर है, लोगों की जान बचाती है। और बेटी, मुझे लोगों के प्रेशर में आके आपकी जान बचानी पड़ी। क्या फायदा सारी दुनिया की जान बचाकर, जब तुम्हारी ही अम्मी तुम्हारे भाई की जान नहीं बचा पाई। काश वक्त का पहिया घूम सकता, काश आज दुआ के साथ उसका भाई भी होता। क्यों लगिया याल्ला? बेटा बेटा ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अगर गाड़ी की आवाज सुन ली थी तो हट जाते ना, और कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैं डर गया था। अरे क्या हुआ बेटा, गले तो ऐसे लग रहे हो जैसे पुराना रिश्ता हो तुम्हारे साथ से, और आज के बाद सड़क के बीच में खड़े होकर ख्वाब मत देखना। तुम खुद का ख्याल रखना है ना साहिल, प्लीज। ये बच्चा यहाँ सड़क के बीच में खड़ा होकर अपने शौक नहीं पूरा कर रहा था, बकरे की जान बचाई है इसने।
नेक काम कर रहा था ये। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूं मां। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूं मां। धन्यवाद मासी। अच्छा अब ये तुम्हारी खाला हो गई है जो तुम उन्हें मासी बुला रहे हो? मेरी माँ अगर मुझे कष्ट में देखती तो वो भी मेरे प्राण बचाती, तो ये भी मेरी माँ जैसी हुई ना। माँ सी तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारा कमजोर दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों हिम्मत नहीं है तुम्हारे अंदर? क्या तुम भी मेरी तरह धोखा खाने के बाद ही मजबूत बनोगे? कत्ल किया है आपने मेरे पापा का। कहाँ है आपके पति देव? मैं यही हूँ, ये मेरी बीवी है। संभाल कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतने डरे हुए क्यों? मेरे बाबा मतलब मेरे मास्टर जी बेहोश हो गए, जमीन पे गिर गए, मेरे को एक डॉक्टर की जरूरत है। कहाँ है तुम्हारे बाबा? एक काम करो, मुझे अपने साथ ले चलो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कोई हेल्प कर पाऊंगी। चलिए मेरे साथ। मासी आइए ना। हाँ बेटा। अचानक ये लाइट कैसे ऑफ हो गई? मैं बाबा की फोन की लाइट चालू कर दूं? हाँ कर दो। जात ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये हॉस्पिटल से क्यों कॉल आ रहा है? कहीं किसी पेशेंट की तबीयत तो नहीं बिगड़ गई? हेलो हेलो मैम, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। हम यहाँ एक पागल बुड्ढे को लेकर आए थे, वो जब से आया है दीवार पे अपना सर मार रहा है। हम उसे बचाने के लिए जाते हैं तो वो मरने के लिए भागता है। रस्सी से बांध दो।
किस डॉक्टर की परमिशन से आप इन्हें नींद का इंजेक्शन दे रहे हैं? समझते क्या हैं आप अपने आप को? इस सेंटर में बात बात पे नींद का इंजेक्शन नहीं दिया जाता पेशेंट को, बेसहारा लोगों को प्यार से ट्रीट किया जाता है, समझे आप? इंजेक्शन रखिए यहाँ पे, आप हाथ खोलिए प्लीज। बाबा आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आपके घर वाले कहाँ हैं? कोई बहू, कोई बेटा, कोई तो? सब ये प्लीज, ओ सर सब ये प्लीज, आया सब, ओ ओहो बाबा आपने ये क्या हाल बना रखा है अपना? अपना हुलिया देखिए, शीशे में देखेंगे तो एक थका हारा इंसान दिखेगा। ऐसे जीने की चाहत कैसे आएगी आपको? अब फ्रंट बॉय एक काम करो, इनकी शेविंग किट लेके आओ, ये लेकर आ जाओ। और सुनिए बाबा, अब आपको मुझे वादा करना होगा कि आप ऐसे अपने आप को चोट नहीं पहुंचाएंगे, ओके? और आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक कर दूंगी, और जब आप ठीक हो जाएंगे तो फीस के तौर पर आप मेरे बाबा के लिए दुआ कीजिएगा। वैसे तो वो मेरे ससुर हैं, लेकिन दिल से मैं उन्हें अपने बाबा ही मानती हूँ। कई सालों से मैंने उन्हें देखा नहीं है, अल्लाह करे वो जहां भी हो ठीक हो। बहू नहीं है ये, बेटी है मेरी। बाबा, बाबा आप यहाँ पर कैसे पहुंचे? बाबा, बाबा, बाबा आप यहाँ दिल्ली में क्या कर रहे हैं? बाबा बताइए ना प्लीज, बाबा, बाबा, बाबा प्लीज कुछ बोलिए। बाबा देखिए, बाबा मेरी तरफ देखिए, बाबा आपकी चाहत, बाबा, बाबा आप यहाँ कैसे आ गए? बाबा प्लीज बताइए ना। पहचान भी नहीं रहे। जिस शहर की बाबा ने इतनी खिदमत की, आज उसी शहर के नाम से बाबा डर उठे। आखिर ऐसा क्या हुआ? ये गुत्थी तो और उलझती जा रही है। इस राज का पता लगाने के लिए मुझे तेज प्रयाग जाना होगा। सालों के बाद इस घर को देख रही हूं, 6 सालों में कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं। बोले बाबा की जय, बोले बाबा की जय, बोले बाबा की जय, रघुनाथ बाबा की जय, बोले बाबा की जय, बोले बाबा की जय, बोले बाबा की जय, रघुनाथ बाबा की जय, रघुनाथ बाबा की जय, बोले 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 बाबा की जय, रघुनाथ बाबा की जय। हर हर महादेव।
कैसे हो सकता है? अगर बाबा यहाँ पर है तो बिल्कुल वही शक्ल, वही आवाज। आखिर इन दोनों में से असली बाबा कौन से? मुझे किसी भी तरह पता लगाना होगा, और इसमें सिर्फ एक इंसान मेरी मदद कर सकते हैं, और वो है पप्पू भैया। बच गया पप्पू। इतने सारे बॉम्ब एक साथ फोड़ दिए। पहले तो आप चिंता है, ऊपर से आप बोल रहे हैं कि एक राम ब्याज जी और एक श्याम ब्याज जी। अरे भाभी, एक मासूम से भोपू को और कितना बजाओगे? अरे लेकिन भोपू भैया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने आपको वीडियो दिखाई ना, एक बाबा दिल्ली में भी है। लेकिन पिछले 6 सालों से मैं ब्याज जी को रोज याद देखती हूँ, वो वैसे ही है जैसे कि पहले थे, उनमें कोई बदलाव नहीं है। ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि जो बाबा यहाँ पर है वो असली बाबा हो, और जो बाबा दिल्ली में है वो नकली बाबा हो। Oh God, I don't know, बाबू भैया, ये सब कुछ बहुत confusing है। ये गुत्ती तो और नचती जा रही है, और इस गुत्ती को सुलझाने के लिए मुझे घर जाना होगा। लेकिन हम वहां जाएंगे कैसे? भैया बाबा कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं, भाभी फोन करके देखो। हाँ प्लीज। अरे भूपिंदर, कैसा है रे तू? बड़े दिनों के बाद दर्शन दिए तूने। नीलकंठ से मिलने आया है? वो तो अभी अभी व्यास जी के साथ ऋषि केस के लिए निकला है, इस शाम तक ही आएगा। इसका मतलब आप और अलका दीदी सारा दिन घर पर अकेली रहेंगी? अरे अकेला पर महसूस करने का समय कहाँ है, सारा दिन काम में ही निकल जाता है। मामी जी, आप अकेली कब तक सारा घर संभालेगी? किसी को काम पे रख लीजिए ना, जैसे कि ये बड़ा होनहार है और बड़े दिनों से काम भी ढूंढ रहा है। खाना वाना बनाना आता है? हो जी, मेरे लच्छे परांठे के आगे ना अच्छा से अच्छा परांठा फेल है जी। नाम क्या है तेरा? तोप। तोप? हाँ जी, और तोप सिंह, और नाम दा तोप नहीं हूँ, और दुनिया दी होपू, बल्ले बल्ले। है लेकिन बड़ा कमजोर तोप है तू। तोप में बारूद भी है कि नहीं? मम्मी जी, बारूद? मेरा मतलब है कि काम कर लेगा ना? ओ जी फिकर नॉट, मैं घर के सारे काम कर लूंगा। आप चलो अंदर, मैं आता हूँ। बोलो क्या खाओगे? मैं गरम गरम आलू का परांठा लाता हूँ आपके लिए। चल ठीक है। नींद आ रही है क्या व्यास जी? थक गए होगे ना? बस थोड़ी दूर पर है ऋषिकेश। Thank you.
गैस ऑन कैसे छोड़ दिया है? ये तो जल रहा है, अब क्या करूं? पानी डाल देता हूँ। मुझे शिमला में मिला था, तो ये यहाँ क्या कर रहा है? श्लोक बेटा, श्लोक! तू ठीक है ना? हाँ, कहीं जला तो नहीं है ना बेटा? कुछ लगा नहीं ना तुझे? ईश्वर की कृपा है अलका माँ, मैं ठीक हूँ। अलका माँ, श्लोक अलकू का बेटा है। क्या कहूँ तेरे बाबा से मैं? ना डरा के रखा है मेरे बच्चे को, तो और तू उनकी शाबाशी पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था? खबरदार, जो आज के बाद गैस के पास आया तो समझा। नील ने अलकू से शादी कर ली। श्लोक, श्लोक नील और अलकू का बेटा है। अलग जी, मैं यहां से भाग गया और नीलकंठ को बेहोश कर दिया मैंने। तुम एक काम करो, नीलकंठ को हमेशा के लिए खत्म कर दो। दरवाजा तो खुला है। बाबा, हे भोलेनाथ, बाबा हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, जाओ। अब इसके साथ साथ तुझे भी मरना पड़ेगा। हे भोलेनाथ, अब कौन बचाएगा मुझे? मैं, हाँ, मैं अम्मा के फोन से घर पे फोन तो कर सकता हूँ ना? मामी, आपके नंबर से फोन आ रहा है। ऐसा मत कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ।
श्लोक कैसे खतरे में मामी? फोन के बैकग्राउंड में धारी देवी की आरती चल रही है, इसका मतलब श्लोक धारी देवी मंदिर के आसपास है। प्लीज अंकल, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो अंकल। चाहत, इसे किसी भी हाल में पता नहीं चल सकता कि नकाब के पीछे मैं हूं। बेटा आप ठीक है ना? श्लोक मेरी असलियत और मेरे दुआ के रिश्ते की राज को राज रखने के लिए राजी हो गया। बहुत ही नेक बच्चा है। अंदर कोई है? कौन है तुम? हाँ, मुझे और व्यास जी को किडनैप करके रखा तूने। किसके कहने पर कर रहा है तू ये सब? चेहरा दिखा मुझे अपना। तुम कौन है? तू क्या दुश्मनी है तेरी मेरे साथ? बोल। क्यों लग रहा है? मैंने तुझे कहीं देखा है? तू मुझे ना गड़बड़ वाला आदमी लग रहा है। फोन दे अपना। मेरा फोन? नीलकंठ जी, कैसे हैं आप? कहाँ थे इतने दिनों से? ये आदमी ना, मुझे लगता है यही किडनैपर है। तुप सिंह, तुम्हें नीलकंठ जी कहाँ मिले? हाँ नीलकंठ जी, ये हमारे घर में काम करता है, हमारे घर का नया बावर्ची है ये। मैडम जी, मैं तो श्लोक बाबा को ढूंढने निकला था। लेकिन आप फिक्र ना करें, वो एकदम ठीक ठाक है और मैंने उसे कहा है कि घर जा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुप सिंह, अलकनंदा, मेरी बात सुनो। अभी ये सब बातों का टाइम नहीं है। मेरे साथ ना व्यास जी भी किडनैप हुए थे, मैंने उनको यहाँ से घर भेज दिया था। वो घर पहुंचे? नहीं नीलकंठ जी, मान बाबा तो घर नहीं पहुंचे। साहब जी, आप ये क्या कर रहे हैं साहब जी? वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है और रहने देते इन चोटों को। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मर जाऊंगा। वैसे भी उसके बिना कहां जिंदा हूं मैं।
बस कीजिए नील, आपकी ये हालत नहीं देखी जा रही मुझसे। अब लगता है कि आपके सामने चाहत बनकर आने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। तो शराब भी दुश्मन बन गई है। मन में कोई वहम पैदा करना था तो कोई अच्छा सा वहम पैदा करता ना। इसको मेरे सामने क्यों खड़ा कर दिया? मेरे सीने पर तुम्हारा वो सर रख कर सोना सब याद आता है। अब मैं आ गई हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। आपके जख्मों का मरहम बनकर आई हूं, आपका हर दर्द मिटाऊंगी। साहब जी, सब चंगा ना? तू दिखने लग गया, मतलब नशा उतर गया। पता नहीं व्यास जी को ढूंढने की बजाय मैं तेरी बातों में कैसे आ गया। और ये हेलो नीलकंठ ध्यानी, आपने जिनकी रिपोर्ट लिखाई थी महंत व्यास जी, उन्हें अभी अभी देखा गया है। क्या, कहाँ? साहब जी, ओ भाई साहब जी, मुझे अब चंगा महसूस कर रहा हूँ। ओ साहब जी, मैं दौड़ता रहा लेकिन मैंने मक्खी नूक काटने नहीं दिया। यस, पुलिस का फोन था, व्यास जी को उन्होंने बिग बार क्लब के बाहर देखा है। हमें चलना होगा, चलो। बाबा किसी क्लब में दिखे गए हैं? रन बैक, सुन, तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो? निकलो यहां से, चलो। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ऐसा खुलेआम लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहे हो? वहां पे नीलकंठ तुम्हें ढूंढता हुआ गोवा पहुंच गया है। अरे चलो यहां से।
मैं यहाँ पे आ चल। अरे आधे दिमाग वाले उठ यहाँ पे बैठ यहाँ सीधा बैठ। तुम बोल क्यों जाते हो? तुम्हारा जीवन भिक्षा में दिया है मैंने, भिक्षा में। वहां पे घर पर कोई जानता तक नहीं है कि ये स्वराज का जुड़वा भाई इन्हीं अय्याशियों की वजह से इस घर से निकाल दिया गया था। तुम्हें ओ बात सुनो मेरी, तुम्हें मैं ढूंढ के लाया हूं मैं, ताकि लोगों की नजरों में तुम्हें महंत बनाकर मैं उस पदवी का फायदा उठा सकूं। जानते हो क्या कुछ किया मैंने इस चीज को संभव करने के लिए? वो बुड्ढा सारा दिन नदी के किनारे बैठा रहता था, जप करता था, तप करता था, और अपने इन्हीं हाथों से पत्थर उठाकर उसके सर पे दम से दे मारा और उसके बेहोश शरीर को नदी के अंदर बहा दिया था। मर गया होगा कहीं जाकर, और यहां पर तुम मेरी जान लेने पर तुले हुए हो। मैं ओह सुनो सुनो मेरी बात, यहां देखो यहां देखो, तुम्हें यहां पर खाना मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना? हाँ पैसा मिल रहा है? शराब मिल रही है? अरे तो क्यों पकड़े जाना चाहते हो? क्यों? नीलकंठ और उसका पूरा परिवार तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ गोवा आ गया है। ईमेल में व्यास जी की फोटो थी। आपने इनको देखा है? एक्सक्यूज मी, आपने इनको कहीं देखा है? नहीं। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें भी देखा है? अरे ये अंकल, ये तो यहीं इसी घर में है सामने। आइए मेरे साथ चलिए। प्लीज प्लीज आइए। यहां तो कोई नहीं है। दूर रहे। बटवा और मोबाइल सब निकाल के रखो यहाँ पे। मैं दे रहा हूँ, आराम से। अरे हिल मत। ये देखो बटवा, मोबाइल फोन, यही चाहिए ना आपको? ये सब चल रहा है गोवा में? रुको, तुम्हें पुलिस के हवाले करता हूं मैं। उठो। अरे उठना बोला ना भाई। नहीं प्लीज 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 प्लीज, एना की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज पैर पड़ते हैं आपके, हमें माफ कर दो। प्लीज जीसस जानता है हम लोग चोर नहीं है, हमारी मजबूरी थी। बहन जी क्या मजबूरी थी? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमने कोर्ट मैरिज भी कर ली है, लेकिन हमारे परिवार वाले हमारे इस रिश्ते को नहीं मानते क्योंकि हमारा रिलीजन अलग है। मैं क्रिश्चियन हूँ और सागर हिंदू है, इसीलिए हम इन सब चीजों से भाग जाना चाहते हैं, यहाँ से दूर, और इसीलिए हमें पैसों की जरूरत थी। अरे तुम ना अपनी जिंदगी खराब मत करो। ये प्यार व्यार सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन एंड ऑफ द डे धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। ये पागलपन बंद करो और अपनी फैमिली के पास जाओ। चलो साहब जी, आप पैसा क्यों कह रहे? मैं सागर के बिना नहीं जी सकती। अब तुम क्यों नहीं जी सकती? और तुम इसकी बातों में मत आना। तुम मेरी बात सुनो, अपने धर्म वाले के साथ ये शादी कर लेगी, तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, तुम रोते रहोगे जिंदगी भर। एक्सपीरियंस कर चुका हूं इसलिए बता रहा हूं तुम्हें। मैं कत्ल किया है आपने मेरे पापा का, और अब आपको आपके गुनाह की सजा मिलेगी। आपसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी नीलकंठ। डॉक्टर चाहत बेग, आपसे हर रिश्ता तोड़ती हूँ।
मेरे वाले ने तो मेरे प्यार का मजाक बना दिया। धोखेबाज होती हैं ऐसी लड़कियां। फोन और वॉलेट? मेरा अल्लाह जानता है कि अगर मैं मजबूर ना होती तो मैं एक लम्हे के लिए आपका साथ ना छोड़ती, लेकिन मैं मजबूर थी नील। बाबा से जो वादा किया था उस वादे को लेकर मजबूर थी और आज तक मजबूर हूं। अगर तू नीलकंठ से दूर नहीं गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं नील के सर पर हाथ रखकर कसम खाती हूँ, मैं हमेशा के लिए नील की जिंदगी से दूर चले जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी शक्ल उन्हें कभी नहीं दिखाऊंगी। तो ये शहर हमेशा के लिए छोड़ के चली जा। हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि आपने मुझ पर भरोसा तक नहीं किया। आपने मान भी कैसे लिया कि मैं आपका दिल तोड़ सकती हूँ? कैसे? अगर आपको मुझसे नफरत करनी है तो करिए, लेकिन मेरी मोहब्बत की तौहीन नहीं कर सकते आप। आज मैं आपको सारी सच्चाई बता के रहूंगी। ये कहां चले गए? सरदार, ओए तू है क्या? हाँ जी, मैं ही हूँगा। और जी मेरे अलावा और कौन होगा? अरे पता है क्या, वो है ना, और वो सागर। अरे मैंने तो उनका भला चाहा था, वो दोनों भड़क गए और मेरा ये हाल कर दिया, मुझे बांध दिया और मेरे पैसे ले गए। यार वो तू राम कहानी क्या सुन रहा है? खोलना जल्दी। साहब जी, वो क्या है ना, अच्छा ही हुआ कि उन्होंने आपको चंगा सबक सिखाया। जो लोग प्यार के दुश्मन होते हैं ना, और जी तोप सिंह भी उनका दुश्मन होता है जी, और जी प्यार के दुश्मनों के साथ ना ऐसे ही होना चाहिए। और जी बल्ले बल्ले। ओए सरदार, तू मेरी दुश्मनी देख लेगा, ओए जल्दी खोल। हाँ जी खोलता हूँ। अरे छोड़ो, आ जल्दी कर। ओए अक्कल के दुश्मन क्या कर रहे हैं? अरे पट्टी खोल पहले, आंख की इतनी जोर से बांधी हुई है, आंखों में जलन हो रही, जल्दी खोल। हाँ जी सही गल है। और जी खोलता हूँ। ओ जी आराम से जी। हाँ। छोड़, तेरी जरूरत ही नहीं मुझे, मैं खुद खोल लूंगा।